तुमने गौर किया? प्रेम की भाषा समझना, फोन का आना और हड़बड़ाहट में जाना, बात तो कुछ जरूर है। आपको है ना हर बात पे शक करने की आदत सी हो गई है। अरे वो तो अभी नादान है, भोला है, उसके तो अभी तक ठीक तरह से पंख भी नहीं निकले, समझे आप? क्या वो पायल? हाँ। सब ठीक तो है ना? तुम्हारे होते मुझे क्या हो सकता? क्या बात है, इतना भरोसा है मुझ पे? अगर भरोसा नहीं होता तो पूरी जिंदगी तुम्हें क्यों सौंप देती? अपनी सारी खुशियां तुम्हारे दामन से क्यों बांध देती? मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे हर जन्म में तुम जैसा जीवन साथी मिले। तुम्हारे लिए पूरी दुनिया का दुख उठा सकती हूँ, हर मुश्किल का सामना कर सकती हूँ, हर वो बंधन तोड़ सकती हूँ। देखो तुम्हें इतना कुछ करने की कोई जरूरत नहीं, उसके लिए मैं जो हूँ, बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, क्योंकि मेरी असली ताकत तुम हो। तुम्हारे बिना मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता दुनिया की। सावन, तुम्हारी हर लड़ाई अब मेरी लड़ाई है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे घर वाले और मेरे घर वाले हमारे इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। यहाँ पे तो सब लोग एक दूसरे को मरने मारने के अलावा दूसरे कोई बात ही नहीं करते हैं। सब लोग अपने स्वाभिमान के सामने अड़े हुए हैं, कोई किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं है। वक्त के आगे सबको झुकना पड़ता है पायल, क्योंकि सारे प्रश्नों के उत्तर समय के पास ही होते हैं। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है, तुम बस सही समय का इंतजार करो और उम्मीद का दामन पकड़ के बैठे रहो। देखना एक दिन हमारा प्यार परवान जरूर चढ़ेगा। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें एक बात कहना भूल गई थी। कल तुम मुझे मंदिर के पास मिलो और कल मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी, ठीक है? अब मैं फोन रखती हूँ, कल बात करते हैं।